गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो करीब 900 पदों पर जी हां फ्रेंड, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से करीब 900 पदों पर भर्ती अटक गई है। क्यों अटक गई है? उसके अलावा 1432 पद जो चयनित छात्र हैं उनको भी जो है ज्वाइनिंग नहीं मिली है। सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और कब तक ये भर्तियां हो सकती हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में इलेक्शन की वजह से कोड ऑफ कंडक्ट जारी हुआ है जो ऑलमोस्टली 10 मार्च तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग रहेगा। तो तब तक आप देख सकते हैं 900 पदों पर जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती निकालने वाला था वो नहीं निकाल पाया था, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा था कि वो 24,000 पदों पर भर्तियां निकालेंगी जो अभी तक निकाली नहीं। पता नहीं वो भर्तियां कहां हैं, भगवान है यानी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सहायक, कनिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, व्यवस्थापक अनुदेशक, लैब सहायक, फार्मासिस्ट और इसी तरह के, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंचाई विभाग, पुलिस कारागार, यहाँ तमाम तरह के जितने भी थे लगभग 900 पदों पर यहाँ फ्रेंड लगभग 900 पदों पर जो है भर्तियाँ अटक गई हैं, क्योंकि COVID-19 का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं असर पड़ा है। उसके बाद बीच में इलेक्शन होने के कारण, आचार संहिता लागू हो जाने के कारण आयोग जो है इन पदों पर भर्ती नहीं निकाल पाया था। लेकिन अगर याद हो आपको तो यहां पर एक विशिष्ट पैनल, अगर यहां पर आयोग को हमने इसके बारे में मेल भी किया था, उस मेल में आयोग ने भी कहा था कि एक विशिष्ट पैनल तैयार किया जा रहा है जो कि इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेगा। लेकिन पता नहीं यार, यहाँ पर तो ऐसी ही होती हैं बातें ही होती हैं, काम तो बहुत कम ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब तो ये सारी भर्तियाँ तभी होंगी जब नई सरकार का गठन हो जाएगा और उसका किसका क्या होता है वो तो आने वाला भविष्य वो बताएगा। लेकिन ऑलमोस्टली आप मान के चलो कि मार्च के आसपास या मार्च के बाद ही ये भर्तियाँ आपको फ्लोर पर दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अलावा आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं संतोष बडोनी ने बताया कि उसके अलावा शिक्षा विभाग में 1432 चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों का भी सत्यापन नहीं हो पाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वन विभाग में 316 फॉरेस्ट का फिजिकल टेस्ट भी इस वजह से नहीं हो पाया है। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव कार्मेन सिंह ने बताया कि भर्ती के 4 से 5 प्रस्तावों को लेकर प्रक्रिया जारी है, इनमें कुल 135 पद शामिल हैं। आचार संहिता के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उत्तराखंड में बहुत सी सारी भर्तियाँ जो हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से निकलने वाली हैं, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से अभी अटकी पड़ी हैं। अब जाए देखते हैं आने वाले भविष्य क्या बात आता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक उम्मीद है मार्च से पहले पहले ये असंभव है। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक के बटन को दबा दो, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दो, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जो हम आपके लाते रहते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।